कि अभी पिछले क्षेत्र भ्रमण पर हमारे सांसद हमारे नेता राहुल जी आए थे, तो उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी स्मृति जो वहाँ पर शोध संस्थान है उसकी स्थिति को देखा था, तो उसके सौंदर्यीकरण के लिए वहीं पर उन्होंने घोषणा की थी। राहुल जी ने अपने सांसद विकास निधि से उसके सौंदर्यीकरण के लिए बाउंड्री वाल, मिट्टी एवं अन्य जो भी वहाँ पर आवश्यक कार्य हैं उसके लिए 28,40,000 रुपये अभी स्वीकृत किया था, जिसमें से 13,65,000 रुपये आ चुके हैं, जिसमें काम शीघ्र ही प्रारंभ होगा, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जी एक सूफी संत और हमारे इस क्षेत्र सहित पूरे देश के एक महान कवि थे, तो उनकी इस स्मृति को जो शोध संस्थान राजीव जी के समय में बना था उसको और सुंदरीकरण करने के लिए राहुल जी ने सभी लोगों के अनुरोध पर उस काम को आगे बढ़ाया है। जन्मस्थली पे भी प्रयास होगा हम लोगों का कि राहुल जी की तरफ से वहाँ पर भी कुछ अच्छा काम हो, जो वहाँ पर है जीर्णोद्धार हो, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। मैं इस संदर्भ ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे राहुल गांधी जो सांसद हैं क्षेत्र से 10-12-15 साल से, उनके द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी की उस कर्मभूमि जन्मस्थली पर कुछ नहीं किया गया, और ये विडम्बना है कि पूरे देश में जो पूजा जाता हो, जिसको श्रद्धा के साथ सभी दल के लोग सम्मान करते हैं अपने वासणों में, और उनका व्यक्तिगत भी एक अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, ऐसे में यहाँ के सांसद के द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी की धरती पर उनके जन्मस्थल पर कुछ न किए जाने का हमें बहुत कष्ट है। और हम सब लोगों ने निवेदन किया है माननीय स्मृति ईरानी जी से, जो हमारी केंद्र की मंत्री हैं और अमेठी से चुनाव हार चुकी हैं, फिर भी हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की उस पावन भूमि पर उनके द्वारा उनकी जन्मस्थली का कुछ न कुछ जीर्णोद्धार कराने का कार्य किया जाए।